<laughs> मैं आपकी और सा राजपूत और आप देख रहे हैं साइबर टीवी आज हम यहाँ से फैजाबाद से गुजार रहे थे तो हमने आज देखा जी फाइक बाइक और हमने उनको पकड़ लिया फाइक भाई बाइक वाले हमने कहा आज तो ये हमारे हाथ में आ गए तो आज हम इनसे कुछ सवाल करें जो हमारे भी दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमते थे और नाजिन आपके दिमाग में भी होंगे असलम ऐसे तो खैर फाइक भाई जो है वो किसी किस्म की तारीफ तारीफ के मोहताज नहीं है लेकिन हम फिर भी इनके बारे में बताएंगे कि ये बहुत सारे जो है सामाजिक काम करते हैं और लोगों की बहुत हेल्प भी करते हैं और एज ए बाइक योर पर्सन लोगों के गिफ्ट वगैरह भी जो गैर मुल्क में रहते हैं उनके यहाँ पे लोगों को जो उनके चाहने वाले उन तक पहुँचाते हैं तो आज इसी बारे में आज हम इनसे थोड़े से इनके बारे में सवाल करेंगे कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ फ़हीक भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके दिमाग के अंदर इस तरह लोगों को सर्विस देने का कैसे दिमाग में आया मतलब किस से आप इंस्पायर थे कोई ना कोई इस इंस्परेशन होती है तो क्या इंस्परेशन मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुआ आ, वैसे बेसिक मैंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आ, जब ये कोरोना आया तो हमारे ऑफ़िस बंद हो गए थे मैंने रियल इस्टेट के ऑफिस में जॉब करता था तो ऑफिस वगैरह बंद हो गए तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाइकियाँ चला लूँ तो जब मैंने बाइकियाँ चलाना स्टार्ट किया तकरीबन दो साल में बाइकियाँ चलाता रहा हूँ इसी तरह ठीक है कंपनीज के साथ फिर मैंने मैं टिकट पर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दी तो टिकट पर मैंने नॉर्मल वीडियो बनाई है मैं रहाँ से वहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ ठीक है उस पर लोगों ने बहुत मुझे दुआएँ दी हैं अल्लाह पाक आपको कामयाब करे फिर एक राइड में लेके आया था एक कस्टमर थे वो ड्रेस भूल गए थे मरी में तो मैं वहाँ से पिक करके फैजाबाद उनको मैंने ला के दिया था वो मेरा व्लाग पहला व्लाग था जो मिलियन में गया था वो रात को मैं अपलोड करके सोया स्वयं तो सुबह मैंने देखा वो मिलियन में चला गया उस व्लॉग की वजह से मैं वायरल हुआ हूँ ये दिमाग में कैसे आया कि जी मैंने वीडियोस बनानी है और वो व्लॉग्स बनाने मतलब मैंने तो अभी तक कैसे कोई ऐसे बाइक वाला देखा जो व्लॉग्स बनाने पे अपनी कंसंट्रेशन देता हो जी स्टार्ट में तो जब मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया तो मुझे काफ़ी लोगों ने थोड़ा सा डिसग्रेड किया कि यार आप पढ़े पढ़ लिख के आप बाइकियाँ चला रहे हो ठीक है तो आ, वैसे एक मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि मैं व्लॉग बनाता हूँ मेरी जो रियल लाइफ है वो मैं लोगों के सामने रखता हूँ कि मैं कैसे घर से निकलता हूँ कैसे राइड्स करता हूँ और बाइकिया की जो प्रॉब्लम्स हैं जो बाइकिया राइडर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों के सामने रखता हूँ तो इसलिए मेरे जहन में ये आइडिया आया था तो मैंने पहला व्लॉग वो बनाया था तो उससे मुझे लोगों की अच्छी वियरशिप मिली है वहाँ से फिर आगे मैंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया है जैसे कि हमने देखा है कि जी आप लोगों की हेल्प करते हैं आ, उनको सपोर्ट करते हैं और बाहर से लोग जो हैं वो भेजते हैं जैसे कि आपने बताया कि आप पहले एक एक प्रॉपर कंपनी के साथ काम करते थे बाद में अपना अपना काम शुरू किया है तो ये उन तक कैसे पहुंचा कि जी आप इस तरह के काम भी करते हैं और वैसे भी एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना आसान नहीं है तो वो ट्रस्ट आपने कैसे लोगों के साथ एक बिल्ड किया कि लोगों ने आपको इतनी हेवी अमाउंट बाहर से भेजना शुरू कर दी और आपने आगे लोगों को हेल्प करना शुरू किया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे जो अमाउंट आई थी वो कनाडा से सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि फ़ाइक भाई ये मेरी फैमिली है उन तक आपने पहुँचा देने हैं बनी गला में तो उसमें से हज़ार रुपये मुझे उसका कर, राइड के फेयर मिला था तो मैंने उनके घर वो उनकी अमाउंट सिक्सटी नाइन थाउजेंड पे चाई थी वहाँ से वो गाग लोगों ने देखा तो लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ ठीक है लोगों ने फिर मुझे पैसे भेजना शुरू कर दिए फिर एक आंटी थी जो चावल सेल करती थी यानवाशी पार्क के आगे मैंने उनसे चावल खाए थे एक प्लेट और मैंने वो वीडियो लगाई थी उसके बाद लोगों ने उनकी भी काफ़ी हेल्प की है फिर मुझे पैसे भेजना शुरू कर दिए कि आप इनकी हेल्प करें फिर बासित भाई ने मुझे अमेरिका से पैसे भेजे थे कि बाजी नीचे बैठ के सड़क पर चावल सेल करती हैं तो यह है कि आप इनको केबल लगा के दें तो मैंने उनको केबल लगा के दिया जिसकी प्राइस थी एटी फाइव थाउजेंड हेल्प करने से पहले लोग आपकी नज़र में होते हैं कि भाई अरे कोई हेल्प आएगी तो हम उनको आगे दे देंगे कोई भी पेमेंट आएगी तो हम या आप पेमेंट आने के बाद लोगों को सर्च करते हैं कि भाई ये किसके लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए जी कई लोगों ने तो ऑलरेडी मेरे अकाउंट में पैसे भेजे होते हैं कि फाइक भाई आपको कहीं भी कोई माजूर या ऐसे मजबूर कोई शख्स आपको नजर आता है तो आपने उसकी हेल्प करनी है और बाकी जो मैं वीडियोज़ वगैरह लगाता हूँ अगर मुझे कोई ऐसा बंदा नजर आता है जो वाकई हकदार है जो मजबूर है कोई माजूर है तो मैं उसकी वीडियो लगाता हूँ उसकी वीडियो देख के लोग कहते हैं कि हम इनकी हेल्प करना चाहते हैं वो फिर बाहर से मुझे पैसे भेजते हैं और मैं उनकी अमानत उन तक पहुँचा देता हूँ तो ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया मतलब ये मैं जानना चाहती हूँ कि ट्रस्ट बिल्ड करना आसान नहीं है इतने दूर बैठे हुए इंसान को ये अतमाद दिलाना कि जी आपका जो रुपया है वो एक एक रुपया एक सही जगह पर लगेगा ये किसी को एहसास दिलाना और ये करवाना बड़ा मुश्किल काम है तो ये कैसे बिल्ट हुआ ये इस तरह बिल्ट हुआ कि मैं मुझे जो राइड्स आती है ऑनलाइन जिस तरह किसी को बड्डे सरप्राइज़ गिफ्ट देना है या एनिवर्सरी सरप्राइज गिफ्ट देना है तो वो मुझे जो पैसे भेजते हैं तो मैं ए टू जेड उनको बिल भेजता हूँ मतलब केक कितने का लिया बाकी चीज़ें कितने की लिया उनको बिल वगैरह भेज देता हूँ बाकी जो पैसे भेजते हैं या तो वो कहते हैं आप रख लें या कहते हैं वो कि हमारा ये नंबर है घर का आप इस पर इज़ी पैसा कर दें मेरा फेयर काट के वहाँ से लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि मैं उसको उनको पूरा जो है ना अकाउंट करके उनको बिल वगैरह भेजता हूँ आपको जो इस तरह से करवाते हैं तो अभी तक आपकी सबसे ज़्यादा टिप कितनी है लोग टिप भी देते होंगे तो सबसे ज़्यादा टिप कितनी है जी सबसे बड़ी टिप जो मेरी है वो पैंतीस हज़ार रुपये है जी जी पैंतीस हज़ार रुपये लंदन से आप ही थी उन्होंने मुझे शॉपिंग करवाई है सेंटोरस से ठीक है वो एक व्लॉग भी था उसमें व्लॉग बनाया था मैंने तो वो शॉपिंग भी करवाई है बीस हज़ार की उसके बाद मेरे लिए पैंतीस हज़ार रुपये भी भेजे थे तो आपके कोई पैरामीटर्स हैं कि आप उससे जज करते हो कि भाई ये नीडी है या नहीं ये ज़रूरतमंद है या नहीं क्योंकि आपको पता है माशरे में इतने ज़्यादा फेक लोग भी हैं कि आप एकदम से किसी को जज नहीं कर सकते और हमारे यहाँ मांगने के लोगों को बहुत आदत है वो सबसे आसान तरीका समझते हैं मांगना तो क्या आ, मतलब क्या आपकी पैरामीटर्स होती हैं कि आपको ये होता है कि जी इन तक जताात है या जो भी जा रहा है वो सही तरीके से पहुँच आ, बेसिक तो मुझे आ, मैं वेरिफिकेशन करता हूँ पूरी मुझे भाई ने दुबई से पैसे भेजे थे एक लाख रुपये ठीक है तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने थे लोगों में पाँच पाँच हज़ार रुपये देने थे जो जो मज़ूर हैं जो वाकई मुस्तक हैं तो मैं वेरिफिकेशन करता हूँ मैं पहले उनके घर जाता हूँ उनकी सिचुएशन देखता हूँ फिर आसपास लोग जो हैं उनसे पूछता हूँ सही जब मुझे पता चल जाता कि है कि वाकई ये मुस्तक हैं तो फिर मैं वो अमाउंट उनको देता हूँ तो एक दफ़ा मैं गया हूँ इधर खन्ना पुल के करीब तो वो भाई भी करते मजबूर हूँ लेकिन जब आसपास से पता किया तो पता चला कि उनके पास गाड़ियाँ उनका घर भी अपना है तो फिर मैंने उनको वो अमाउंट नहीं दी थी तो ऐसे में वेरीफिकेशन ऑलरेडी कर देता हूँ पूरी फिर मैं उन तक ये चीज पहुंचाता हूँ अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी फैमिली को हेल्प की हो और उसके बाद जो है उन्होंने फिर से आपसे हेल्प मांगी हो और फिर आपको तंग करना शुरू कर दें कि ऐसा भी होता है ना हमारे यहाँ तो आपके साथ पर्सनली कभी इस तरीके से हुआ है कि जी किसी फैमिली ने या किसी ने भी जिसके आपने हेल्प की बार बार आपको कॉन्टैक्ट करके आपको तंग करना शुरू कर दे जी मुझे तो बहुत लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जिनकी मैंने हेल्प की है वो भी दोबारा रब्ता करते हैं हरी बात है वो अकदार जो हैं वो दोबारा लाजमी रबा करते हैं कि फाइक भी फिर से हमारी आप हेल्प कीजिएगा लेकिन वैसे आप मेरा अगर अकाउंट देखें तो मेरे अकाउंट पे कराची लाहौर फैसलाबाद हर जगह से लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि फ़ाइक भाई हम मजबूर हैं मेरा भाई मज़ूर है या हमारे हालात इस तरह के हैं हम मीडिया पर नहीं आना चाहते हमारी सीक्रेटली आप हेल्प कर दें तो एक लड़की ने मुझे रात को मैसेज किया था दस से ग्यारह बजे का टाइम था तो मुझे कहा कि मेरी बच्ची भूखी है मैं अल्लाह रसूल का वास्ता आपको दे के कहती हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही और वो उसने दूध नहीं पिया हुआ तो फिर मुझसे जो हेल्प हो सकती थी मैंने उसकी की है और ये मीडिया पे भी मैंने नहीं बताया आज आपको बता रहा हूँ कि जो सीक्रेटली मैं हेल्प करता हूँ लोगों की किसी को पता भी नहीं होता वो भी मैं अपनी तौर पर कर देता हूँ जितनी मेरी हैसियत है अच्छा फाइक भाई कभी आपने सोचा है कि आप कोई एन जी ओ बनाए इन फ्यूचर क्योंकि आप जिस तरह काम कर रहे हैं तो ये मोबाइल एन जी ओ ही हुई तो कभी सोचा है कि एक प्रॉपर एन जी ओ का एक सेटअप हो एक एन जी ओ कभी ये चीज़ दिमाग में आई है जी जी मुझे बहुत लोग मशूरा देते हैं और मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं दुबई से एक भाई ने मुझसे रब्ता किया था उन्होंने कहा था कि फाइक भाई आप अपनी जो है फाउंडेशन बनाएं फाइक भाई के नाम से हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे जिस तरह भी हुआ आप लीगल तरीके से काम करें तो फिर हाँ जो डिफरेंट किस्म की जगह जहाँ पर गरीब लोग हैं वहाँ पर दस्तरखान भी लगाएंगे और जो लोग नीडी हैं ठीक है जिनकी हेल्प करना ज़रूरी है उनकी हेल्प भी हम आपकी करवाएंगे यहाँ से दुबई से जी जी मतलब आपका इन फ्यूचर ये प्रोग्राम है जी जी बिल्कुल मैं थोड़े डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह मैं ये कंपनी बनाऊँगा एक सर्विस कंपनी बनाऊँगा जिससे मैं लोगों को सर्विस दूँगा उसमें जो हमारे मुल्क के राइडर्स हैं ठीक है कराची अब कराची के ऑर्डर्स भी हमें आते हैं लाहौर के भी वो हम नहीं कर सकते वो फिर अमन को देंगे ऑनलाइन फिर वो वहाँ भी अपना रोज़गार उनका भी चल जाएगा हमारी कंपनी भी आगे चल जाएगी अच्छा जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ आप अच्छा काम करते हैं तो आपको मनफी जो है वो ज़रूर कमेंट सुनने को मिलते हैं ख़ास तौर पर अच्छे कामों पर तो आ, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भी किया कि जब आपसे कोई लोग बोलते हैं कि जी ये चीज़ आप ले कर वहाँ दे दें तो आप नॉर्मली ख़ास दुकानदारों के साथ अपनी परचेजिंग करते हैं तो शायद आपका जो है किसी के साथ आ, कोई वहाँ पे कमीशन फिक्स है या आपके जानने वाले तो काइंडली ये भी ज़रा क्लियर कर दें कि ऐसा कुछ है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो जो भी शॉप्स हैं जहाँ से है, अच्छी चीज़ मिलती है मैं वहाँ से जाके कर परचेज करता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी के साथ हमारा कोई फिक्स हो हाँ अगर कोई प्रमोशन करवाना चाहता है उसका एक अलग ब्लॉग होता है कि उनकी शॉप की प्रमोशन करवानी है लेकिन ऐसे आज तक मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए कि आप मेरी शॉप से कोई चीज़ दे लें या मैंने कोई पैसों की खातर उनकी शॉप से कोई चीज़ ली हो अभी तक ऐसा नहीं हुआ अच्छा अभी ऐसा आप मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि जी आ, आपके पास अकाउंट में पेमेंट आती है बहुत सारी और वैसे भी आपके पास ठीक ठाक कैश होता है बिकॉज आपका काम ऐसा है ऐसा तो आपको पता है हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान के और दिन ब दिन ख़राब ही हो रहे हैं तो ये स्नैचिंग हो जाना या सब तो आपको डर नहीं लगता कि मतलब अगर पैसे छिन जाएँ जी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और ये चीज़ भी अल्लाह के हाथ में एक दफा मुझसे मोबाइल स्नैच हो चुका है लेकिन तब मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता था ये काफ़ी पुरानी बात है वो तब मैं बाइकें चला रहा था गुलबर्ग के पास मेरा ये वारदात हुई थी और यह है कि एक मोबाइल मुझसे स्नैच हुआ था तो उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है तो यह है कि डर नहीं लगता बिल्कुल भी मैं रात को मरी तक गया हूँ ठीक है खानपुर तक गया हूँ रवाद तक जाता हूँ इधर से मैं आ, जो खानपुर है वहाँ तक गया हूँ तो बिल्कुल डर नहीं लगता तो अमाउंट जो है मेरे पास नहीं होती वो कार्ड में होती है जब मुझे कहीं पे वो जरूरत पड़ती है तो मैं तब अमाउंट निकालता हूँ वैसे वो कार्ड मेरी जेब में होता है सिर्फ बस फाइक भाई ये जो हेलमेट है ये आपका जो एक रेड कलर का जो जिसके ऊपर लिखा हुआ भी है जी फाइक भाई बाइक या ड्राइव एंड एंडो तो ये आप रात में सोते हैं वो उतारते हैं या वो भी नहीं उतारते <laughs> बस ये समझ लेके कि नहीं उतारता <laughs> क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है कि मैंने बड़े बाल रखे हुए थे अपनी वालदा से छुप के तो स्टार्ट में जो है ना मैं मैंने हेलमेट बिल्कुल भी, भी नहीं उतारा इसी वजह से कि वालदा भी मेरी वीडियो देखती हैं तो वो बड़े बाल फिर देख लेंगी तो वो फिर मुझसे गुस्सा भी करेंगी बाल भी कटवाएंगी बाल तो अभी तक मैंने कटवा दिए ठीक है।, है तो यह कि हेलमेट मेरा प्रॉपर अब लगा रहता है जी जी जाहिर सी बात आप ओवर से, है, से साथ काम करते हैं पाकिस्तान में तो हर बंदा बाहर जाना चाहते हैं तो आपके तो भाई रिलेशन भी बन गए हैं ऐसे लोग ऐसे बहुत सारे आप कैसे होंगे जो आप क्लाइंट्स आपके जो आपको बहुत फ्रिक्वेंट आपसे डील करते होंगे तो कभी ऐसा नहीं हो कि आपने सोचो कि मैं बाहर चला जाऊँ स्पेशली शादी कर लूँ तो शादी का क्या सर शादी की अभी तक या नहीं मंगनी वगैरह की नहीं नहीं शादी नहीं की बिल्कुल ही शादी अभी नहीं की तो कनाडा से एक लड़की ने रबता किया था मुझसे कि फायक भाई मेरी यहाँ गारमेंट्स की फैक्ट्री है तो आप आ जाएँ यहाँ पर जितना भी एक्सपेंस होगा मैं करूँगी आप यहाँ पर आ जाएँ लेकिन अब अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पे कामयाब किया है ये मेरा मुल्क है मैं इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ ठीक है मैं इन लोगों की मदद करना चाहता हूँ तो बाहर जाके भी मैंने जॉब करनी है तो मैं यहाँ पे अगर ये काम करूँगा लोगों को सर्विस दूँगा फिर एक अपनी कंपनी डेवलप कर दूँगा तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है तो इन शादी मैं करूँगा बहुत जल्द और मुझे लड़की इस तरह की चाहिए कि जो जो है ना एडवेंचर करना चाहती हो ठीक है मतलब कि घूमने फिरने का शौक़ हो और मैं इनशाला उसको बाइक भी सिखाऊंगा और अगर हम कहीं दूर राइड पे जाते हैं जैसे अब्टाबाद मरी तो रास्ते में अगर मैं थक जाता हूं तो फिर मैं उसको बोलूंगा आप बाइक चला लें सारी लड़कियां सुन लो कि जी आ, फाइक बाइक जो है वो लड़की जो एडवेंचरस हो आ, ऐसे उनको आम शादी बेगम नहीं चाहिए उनको फुल एडवेंचरस भी, भी चाहिए जी 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 फुल फुल एडवेंचर जिसको घूमने फिरने का शौक़ हो अगर हमें कहीं दूर जाके दो तीन दिन रहना भी पड़े तो कोई इशू नहीं है जैसे कि नासीन आपने आज फाइक बाइक की बात सुनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें थी और बहुत अच्छा लगा सुन के क्योंकि हमारे माशरे में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इतने पैशनेटेड हैं और इस मुल्क के लिए का, और इस मुल्क के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और जो हमारे ओवरसीज़ लोग हैं और जिनको ये लगता है कि जी हमारे मुल्क में ईमानदारी नहीं है लेकिन फाइक भाई जैसे ईमानदार लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस कम्युनिटी के लिए एक अपने अपने जितना हो सकता है वो अपने एंड से काम कर रहे हैं और इस कम्युनिटी को बहुत सर्व कर रहे हैं तो हमारी तो यही दुआ है कि इस तरह की जैसे आज एक फाइक भाई है इस तरह के हमारी कम्युनिटी में और बहुत सारे लोग आए और हमारी कम्युनिटी के लिए सर्व करें इसी के साथ सारा सारों को दें इजाज़त अलाफ